आजकल स्वधर्म का पालन कम देखा जा रहा है कि मनुष्य जिस वर्ण में पैदा हुआ उसका पालन स्वधर्म का पालन नहीं हो पा रहा, जिसके कारण वर्ण संकरता आ रही है और वैदिक धर्म का लोप हो रहा है धीरे धीरे। तो इसका पुनर्स्थापन और इसका दृढ़ता से पालन किस प्रकार हो, किस तरह से निवारण। क्या नाम है आपका? आशीष भारद्वाज। कहाँ के हैं? जयपुर गाँव के। बहुत अच्छा, युवक होकर आपने वर्णाश्रम धर्म का समर्थन किया, बहुत ऊंची बात। इनसे संपर्क रखना भाई, ऐसे युवक तो करोड़ों में दुर्लभ हैं आजकल। ऐसा है कि भारत की दिशाहीनता का कारण अंग्रेजों की दुराभिसंधि या कूटनीति है। एक हिंदी में कहावत है, अंगूर खट्टे हैं। एक व्यक्ति अंगूर पसंद करता था, अंगूर के बेल में अंगूर के फल भी लगे थे, उसकी दृष्टि अंगूर पर थी। सामने वाला वंचक समझता था कि इसे अंगूर बहुत प्यारा है, लेकिन मीठा अंगूर प्यारा है। उसने कह दिया अंगूर खट्टे हैं। सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, भाई मैं तो अंगूर पसंद करता हूँ, चाहे खट्टे हों या मीठे। तब उस वंचक की दाल नहीं गली, तब उसने नई कूटनीति का प्रयोग किया। अरे रहने दो, अंगूर खट्टे हों या मीठे, विष जरूर हैं, जो इन अंगूरों को पाएगा वो मरे बिना नहीं रहेगा। अब तो उसकी कूटनीति के चपेट में वह व्यक्ति आ गया। अंग्रेज इस बात को जानते थे कि जब तक मनवादी धर्मशास्त्रों को सनातनी मानते रहेंगे तब तक अजेय रहेंगे। इनके उत्कर्ष को हम अवरुद्ध नहीं कर सकते, इसलिए कूटनीति पूर्वक उन्होंने हमारे मनवादी धर्मशास्त्रों के प्रति शिक्षा पद्धति के माध्यम से अनास्था उत्पन्न की। अभी स्थिति क्या है कि विकास को परिभाषित आधुनिक ढंग के व्यक्ति करते हैं, वर्ण संकरता और कर्म संकरता विकास की पराकाष्ठा है आधुनिक विचारकों की दृष्टि में, जबकि सनातन सिद्धांत के अनुसार वर्ण संकरता और कर्म संकरता पतन की पराकाष्ठा है। मैं एक दृष्टांत देता हूँ। अंग्रेजों के यहाँ तो वर्ण व्यवस्था विलुप्त है वर्षों से, लेकिन वैकल्पिक वर्ण व्यवस्था को भी स्थायी रूप दे रहे हैं वो, और दे चुके हैं। कदाचित भारत के माननीय पूर्व और वर्तमान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आदि का ध्यान इधर जाता, पोप जी को परंपरा से वे अपने रिलीजन मजहब पंथ के गुरु मानते हैं। विक्टोरिया से भी अधिक समय से एलिजाबेथ शासन कर रही हैं। छात्र धर्म उनके यहाँ नहीं है, लेकिन वैकल्पिक परंपरा को भी वो स्थायी रूप देते हैं। और हमारे यहाँ तो वैकल्पिक नहीं, सनातन परंपरा। लेकिन ये जो केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र के पुरोधा राजनेता हैं, इनका मस्तिष्क अंग्रेजों के द्वारा निर्मित किया गया है, इसलिए वे वर्ण व्यवस्था को विलुप्त करने का षड्यंत्र रचते हैं। मैं एक संकेत करता हूँ, सावधान। शिक्षा, रक्षा, कृषि, गौरक्ष्य, वाणिज्य अर्थात अर्थ और सेवा के प्रकल्प को सदा के लिए सबके लिए संतुलित रखने की अमोघ विधा सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था है। इसका खंडन कौन माई का लाल कर सकता है बुद्धिमान होता हुआ? फिर से सुनिए, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको सदा संतुलित रूप से सुलभ हों, इसकी वैज्ञानिकतम विधा का नाम सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था है। राष्ट्र को, देश को या विश्व को जितने शिक्षाविद, रक्षाविद, अर्थविद और सेवा के प्रकल्प को क्रियान्वित करने वाले चाहिए, उतने ही वो हों, बिना गर्भपात के, बिना परिवार नियोजन के।
इसकी एकमात्र अचूक व्यवस्था का नाम सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था है। उसकी उपयोगिता को न समझने के कारण भारत दिशाहीन है। उसकी उपयोगिता को समझकर उसे क्रियान्वित हम न कर सकें, यह अंग्रेजों की कूटनीति है जिसका शिकार भारत है। अतः वर्ण व्यवस्था को माने बिना, आश्रम व्यवस्था को माने बिना शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा का प्रकल्प सबको सदा संतुलित रूप में सुलभ हो सके संभव ही नहीं है। आर्थिक विपन्नता और विषमता वर्ण संकरता की दृष्टि से स्वाभाविक ही है। हमारे यहाँ तो कदाचित परिस्थितिवश, उन्मादवश या ज्ञानवश कहीं कोई वर्ण संकरता आ भी जाए तो भी कर्म संकरता नहीं आने देते थे। ध्यान गया आपका, जो वर्ण संकर जातियाँ थीं उनकी भी परंपरा से जीविका के साधन सुनिश्चित थे, कर्म संकरता उनमें भी न आवे इसका ध्यान रखा गया था। वर्ण संकरता के तीन हेतु, अनियंत्रित काम एक, परिस्थिति और अज्ञान। लेकिन कदाचित वर्ण संकरता कहीं आ भी जाए तो अभी कर्म संकरता न आने पावे इसका ध्यान रखा जाता था। वर्ण संकर जातियों की जीविका भी जन्म से आरक्षित हमारे यहाँ थी। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अर्जुन ने वर्ण संकरता न छा जाए संभावित युद्ध के फलस्वरूप इसको लेकर चिंता व्यक्त की। और श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे चौथे अध्याय का अनुशीलन करें तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्म संकरता न छा जाए यदि हम न वर्तेयम इन वचनों के माध्यम से इसकी चिंता व्यक्त की। तो वर्ण संकरता कर्म संकरता पतन की पराकाष्ठा है। अज्ञान के कारण हिंदू इसे प्रगति की पराकाष्ठा मान रहे हैं, उनके मस्तिष्क की अदूरदर्शिता का यह परिचायक। और कोई प्रश्न?